वेलकम टू माय चैनल आर्टेक वर्ल्ड। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्टेक वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि वीडियो स्टेबिलाइजेशन किस तरह कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरा पहला वाला जो वीडियो है उसमें काफ़ी शेकीनेस, यानी काफ़ी हिल रहा है फ़ोटो, यानी वीडियोस बहुत हिल रहा है। और मेरा जो दूसरा वाला वीडियो है उसमें आप देख सकते कितना स्टेबल है दोस्तों। तो दोस्तों, आजकल ये EIS, इसमें जो EIS सिस्टम होता है, आजकल आपको EIS सिस्टम वाले फ़ोन्स ख़रीदने हो तो आपको 20 से 25 हज़ार खर्च करना पड़ता है। और OIS सिस्टम, ये EIS और OIS सिस्टम क्या होता है? EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजेशन सिस्टम, OIS इसलिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन। तो दोस्तों, ये सब आपके खुद के एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल वाले एंड्रॉयड फ़ोन में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ एक गूगल फोटोज़ जो आपके इनबिल्ट में, जो ये मैंने खोला हुआ है, गूगल फोटोज़ आपके इनबिल्ट ऐप होता है दोस्तों, जिसके ज़रिए आप ये चीज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं ये गूगल फोटोज़ ओपन किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये स्टेबिलाइजेशन किया जाता है। तो मैं एक जल्दी से अपना एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा जो नॉर्मली मैंने लिया हुआ वीडियो है, वो है। चलो अभी इसको स्टेबिलाइजेशन करते, देखिए इसमें कितना वो वीडियो में कंटेंट हिल रहे हैं। ओके, काफ़ी शेकीनेस नज़र आएगा आपको, बरोबर दोस्तों। इसके लिए आपको दोस्तों कोई महंगा फ़ोन नहीं ख़रीदना है, सिर्फ आपके नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में आप कर सकते हो। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कितना शेकीनेस दिख रहा है इसमें दोस्तों। यही नहीं, आप कोई भी आपका वीडियो जो लिया हुआ है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में उसे स्टेबिलाइज कर सकते हो। देखिए, ये मैं गूगल फोटोज़ में गया और ये वीडियोज़ में गया। वीडियोज़ में जाके नीचे एक 3 बटन होता है जिसे आप स्टेबिलाइज एडिट, वीडियोज़ में जाके एडिट करोगे तो आपको ये स्टेबिलाइज का ऑप्शन दिखेगा, एक रोटेट का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे तो आपका वीडियो जो रोटेट भी कर सकते हो और सेव कर सकते हो और स्टेबिलाइज करो। ये जो स्टेबिलाइजेशन है, अभी इसको स्टेबिलाइज करते हैं हम वीडियो को। चलिए, तो ये स्टेबिलाइज हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, 1 या 2 मिनट लगता है। अब मैंने दोस्तों काफ़ी, अभी ये स्टेबिलाइजेशन मैंने तो कर लिया है, इसलिए मैं आपको फटाफट उस तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों, ना ही आपको महंगा फ़ोन ख़रीदना है, ना ही आपको महंगा कैमरा ख़रीदना है, सिर्फ ये आपके इनबिल्ट ऐप गूगल फोटोज़ में होता है। तो देखिए, चलिए अब ये स्टेबिलाइजेशन हो गया है, मैं आपको जो स्टेबिलाइज्ड वीडियो है उसका एक सैम्पल बता देता हूँ जो मैंने किया हुआ है। अब अभी ये देखिए, पीछे के जो बिल्डिंग्स है, जो भी है, वो देखिए कितना स्टेबल है दोस्तों। ये वीडियो मैंने एक रनिंग बाइक में निकाली हुई है, तो आप देख सकते हो कि कितना शेकीनेस आ सा है रनिंग बाइक में निकालना। तो आप देखिए कितना स्टेबल है ये। तो आप भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इस तरह का स्टेबिलाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ आपको एक गूगल फोटो जो एप्लीकेशन आपके इनबिल्ट होता है दोस्तों, आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड भी करना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूँगा आपके लिए, नए नए वीडियो। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा।